हरियाणा के चुनाव परिणाम और रुझानों में एक बार फिर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजों को परिणाम और रुझानों ने खारिज कर दिया। हरियाणा में खुशी मनाते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर नहीं आए हैं। एनसी के साथ अलायंस में पार्टी सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, लेकिन पार्टी को गठबंधन का फायदा है। विवादों से घिरी बीजेपी कैसे खेल गई? हरियाणा चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया। हरियाणा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर बीजेपी खेल गई, लेकिन कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीति खत्म हो सकता है, लेकिन रणदीप या शैलजा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार हार से ये साबित हो गया है कि हुड्डा जाट के अलावा दूसरे वर्गों को साध नहीं पाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शुरू में कॉन्फिडेंट थी, फिर धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंट होती गई। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के कौन कौन से कारण हैं? कांग्रेस की हार के कारण हरियाणा में जाट आबादी को देखें तो करीब 27% है, जहां 35 से 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव माना जाता है। इस बार कांग्रेस की कोशिश थी कि जाट वोट उसी के पास रहे, लेकिन बीजेपी ने जाटलैंड में भी बढ़त बना ली। कांग्रेस को लगा कि किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन सब पलट गया। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई का सामने आ जाना भी कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। जाट और दलित वोटों के चक्कर में कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को गंभीरता से नहीं लिया और बीजेपी समय रहते चेत गई। राहुल के दावों पर फिरा पानी। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी जीत के दावे कर रहे थे। सुगबुगाहट थी कि 10 साल के बीजेपी शासन के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी यहां इतिहास रच चुकी है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि राहुल अपनी सभाओं में कह रहे थे कि बीजेपी सरकार के दिन गए और अब कांग्रेस की सरकार आ रही है।